हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। मैं कैसी हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स अच्छी होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और आज है फ्रेंड्स 2 अगस्त, और 2 अगस्त दिन मंगलवार का सुबह के 9 बजे से ये वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। और आज फ्रेंड्स नागपंचमी भी है, तो नागपंचमी का ये वीडियो है मेरा। और देख लीजिए मेरे यहाँ कैसे क्या किया जाता है। वैसे त्यौहारों का असली मज़ा तो गाँव में आता है, शहरों में कहाँ। तो हैप्पी नागपंचमी आप सभी को। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शहरों में उतना मतलब पता नहीं चलता है, गांव में पता इसलिए चलता है क्योंकि मिट्टी के कच्चे घर होते हैं। साफ़ सफाई, लिपाई पुताई, ढीक लगाना और चूना लगाना और रंगोली बनाना, कई सारी चीज़ें होती है, तो त्यौहार का बहुत ज़्यादा पता लगता है गांव में। और शहरों में तो क्या, बस यही साफ़ सफाई जो मैं कर रही हूँ यही सब हो जाती है, और सिंपल सा जो पूजा पाठ करना हो वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स बर्तन और झाड़ू का काम मैं कर चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने सिंक साफ़ करके सारे घर का पोछा लगा दिया। तो आज नागपंचमी है तो सफाई अच्छे से ही करनी है, तो सारी सफाई सुबह से अच्छे से चल रही है मेरे घर में भी। और यहाँ मैं सारे काम निपटा कर आ गई हूँ। बाथरूम में लास्ट टू लास्ट रह जाता है कपड़े धोना और नहाना धोना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा है आज, और मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली है, तो हाथ से ही धो के डालूंगी। और ये देखिए, एक टब भर के कपड़े और बेदू का ब्लैंकेट सारा कुछ धुलकर नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ मैं दाल भिगो दी थी, खड़ी मसूर है ये, लाल वाली खड़ी मसूर, इसकी दाल बनानी है मुझे अभी। तो ये हल्दी नमक हींग के साथ मैं रख दी हूँ पकने के लिए, तो ये पकेगा जब तक। यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। धूप देखिए कितनी अच्छी निकली है, मतलब जैसे बदरी बदरी है लेकिन धूप और हवा दोनों काफ़ी अच्छी है, तो कपड़े जो है सूख जाएंगे। और ब्लैंकेट भी लाकर मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। ये ब्लैंकेट मुझे 15-20 दिन में धोना ही पड़ता है क्योंकि जो है बेदू के लिए मैं बिछाती हूँ बेड के ऊपर। तो बस ये भी धुल गया, और कपड़े भी सारे देखिए सूख चुके, और भी बेदू के कभी कपड़े थे सारे सुखा कर, और मैं आ चुकी हूँ नीचे। फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मतलब शाम तक कंबल मेरा सूख चुका था। तो यहाँ जो है मेरी दाल हो चुकी है, तो उसको तड़का लगाने के लिए देखिए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, और उसके साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती वो, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी, ये सब मिलाकर मैंने पीस लिया। और ये टमाटर है, टमाटर के साथ कुछ मसाले मिला रही हूँ, तो थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है पनीर मसाला, ये मिक्स करूँगी मैं। बाकी गरम मसाला पाउडर बिल्कुल भी नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि मसाले थोड़े से पीसे हुए हैं मैंने प्याज के साथ। और ये बेदू के लिए दाल निकाल रही हूँ मैं, और उसके बाद दाल को मैं तड़का लगा दूँगी। तो दाल को सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ मैं, जीरा, राई और कड़ी पत्ते के साथ। मैंने प्याज के साथ जो मसाला पीसा था देखिए वो भून लिया, और उसके बाद जो टमाटर के साथ मसाले थे वो मैंने इसमें डालकर इसे भून लिया। और ये दाल जो मसाले हैं बन चुके हैं, मतलब भून चुके हैं, तब इसमें मैं दाल को मिक्स कर दूँगी। और ये खड़ी मसूर की दाल फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, सिंपल बनाओ तो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो दाल बन चुकी है, और ये कुछ सामान है जो कि मतलब बिल्कुल ख़त्म था, और आज मतलब त्यौहार का दिन है तो तेल वगैरह भी नहीं था, तो ज़रूरी था, चाहिए था सब कुछ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मैंने मंगाई थी, तो ये चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ये मंगाए थे मैंने, और रिफाइंड तेल और बेदू का बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गया था, तो ये सब मैंने मंगाया था। तो ये सब मैं भर लेती हूँ हाथ की हाथ, साथ के साथ भर लेने से ये हो जाएगा कि फिर शाम को मैं फ्री हो जाऊंगी, वरना चीज़ें रखने की टेंशन रहेगी कि ये भरना भी है मुझे। तो ये देखिए ज़्यादा सामान नहीं था, 2-4 सामान था, फटाफट भर लिया मैंने। और तेल को मैंने देखिए कैसे रखा हुआ है, पैकेट तुरंत नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से रख देती हूँ, तो जो तेल है अच्छे से नितर जाता है डिब्बे में। और बस चावल धुल के रख दिए थे, जो चावल बन गए, तो दोपहर में कुछ खास नहीं बनाती हूँ मैं, हर नागपंचमी पे ही हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाया जाता है। और तवा क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है कि तवा आज नागपंचमी के दिन इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वो काला होता है। और दूसरी बात कि ऐसा माना जाता है कि काले तवे पे आज के दिन रोटी सेकने से हमें सांप देवता को मारने का, मतलब उनको मारने का दोष लगता है, उनकी हत्या का दोष लगता है, इसलिए तवा नहीं चढ़ाया जाता है हमारे आज। उन ऐसा बोलते हैं उनकी स्किन जलती है और उनको मारने का, हत्या का दोष लगता है, ये सब कहानियों में मैंने पुराने लोगों से सुना हुआ है। तो इसी वजह से तवा आज के दिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ाया जाता है, स्पेशल नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है, साल में एक बार हमारे यहाँ। तो सुबह से शाम तक बिल्कुल तवा नहीं चढ़ाया है मैंने, सुबह दाल चावल दोपहर में बनाए थे, और शाम को ये देखिए नागपंचमी स्पेशल खाना बन रहा है। सभी के घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट बनता ही है, सबके रीति रिवाज, पूजा पाठ भी अलग अलग होते हैं, तो मेरे यहाँ भी सब कुछ अलग होता है। खेतों में दूध भेजा जाता है, और भी घर में पूजा पाठ होती है, तो वो तो अभी ससुराल में मेरी सासू माँ करते हैं, और यहाँ मैं शहर में मतलब मैं
सिंपल से ही मनाती हूँ। घर की साफ़ सफाई हो गई, शाम की दिया बाती पूजा, नाग देवता के नाम के दिए वगैरह लग जाते हैं, और कई लोगों के यहाँ तो नाग पंचमी मतलब नाग देवता बना के किए जाते हैं, तो वैसा मेरे यहाँ कुछ नहीं किया जाता है, सिंपल मनाया जाता है। वही तवे का ज़्यादा महत्व है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ आज के दिन नहीं चढ़ाया जाता है। तो शाम का मेरा सांझा बाती वगैरह हो चुका है, सिंपल खीर बना रही हूँ, और खीर भी आज झटपट वाली बन रही है। चावल अलग पकाए थे मैंने और फिर दूध में मिक्स कर इलायची चीनी डाल दिया था, बस वो खीर मेरी बन रही है। इस तरीके से खीर थोड़ा सा जल्दी बनती है। और उसके बाद खीर के साथ आज मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी, जो कि मैं हर नागपंचमी पे बनाती हूँ आलू की कचौरी। तो बस वही खीर बन रही है और खीर के साथ आलू की कचौरी बनानी है, तो उसकी भी तैयारी हो गई है। आटा लग चुका है और ये आलू उबल गए थे, तो ये आलूओं को मैंने बारीक कर लिया था, और उसके साथ प्याज, हरी मिर्च और कस्तूरी मेथी, सौंफ, जीरा, सॉरी अजवाइन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्दी नहीं धनिया पाउडर, सारा कुछ मिक्स कर मैंने पिट्ठी को रेडी कर लिया था। और ये देखिए मेरा खीर भी हो चुका है। इस तरीके से भी खीर काफ़ी टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। चावल को सीटी लगाकर अलग से फिर आप दूध में डाल दीजिए, ऐसे थोड़ा जल्दी बन जाता है, आधे घंटे में खीर रेडी हो जाता है। चावल को दूध में पकाओ डायरेक्ट तो वो घंटे भर का टाइम लग जाता है उसमें। तो खीर हो चुका है मेरा, और यहाँ मैं देखिए बनाने लगी हूँ अपना आलू का कचौरी। तो आलू का कचौरी सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी मैं, और आलू के पराठे तो मेरे कई बार मतलब फट भी जाते हैं, पर आलू की जो पूरी बनती है मेरे घर में, जो मैं बनाती हूँ आलू की कचौरी पूरी जो भी कह लो आप, ये बिल्कुल नहीं फटती है, एकदम फुली फुली सारी बन के रेडी होती है। तो सबसे पहले गौ माता की, सबसे पहले चूल्हा देवता की निकाल दी मैंने दो, और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ गौ माता की, और उसके बाद फिर बाकी सारी कचौरियाँ हम बना लेंगे। तो मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से ही नागपंचमी मनाई जाती है। आप सबके यहाँ कैसे मनाई जाती है वो सभी मैं वीडियोस में आगे आप सभी के देख रही हूँ। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और अच्छा लगता है सभी के ब्लॉग में देखकर पूजा पाठ अलग अलग तरीके से। तो ये खीर मैं देखिए भेज रही हूँ अपने मंदिर में। मंदिर में वैसे पूजा के टाइम मैंने मिश्री रख दी थी, लेकिन अभी जो खीर बन गई है तो खीर भी मैं चढ़वा दूँगी। और ये देखिए मेरा जो है गौ माता का कचौरी पहला बन गया है, तो गौ माता की कचौरी पे भी थोड़ी सी खीर रखकर, और ये मैं गौ माता के लिए सुबेरे दूध वाले भैया को दे दूँगी। और अब उसके बाद ये देखिए मेरा बाकी का कचौरी बन जाएगा, और फुला फुला कचौरी फ्रेंड्स खाने में, खीर के साथ खाने में आलू की कचौरी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप में से कई सारी फ्रेंड्स मेरी आलू की कचौरी पूड़ी जो भी कह लो बनाती होंगी। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ आज सुबह से शाम तक नागपंचमी के दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं हस्बैंड जी की थाली लगा रही हूँ, बेदू खा पी चुकी है, अब हम ही दोनों रह रहे हैं, तो हम भी अब खाना खा लेंगे। रात के 9:30 बज रहे हैं, वीडियो को एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, आप सब भी हमारे साथ आ जाइए खाना खा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जैसे वीडियो के